गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम बहुत बेकार है और अभी हम अभी हम देखिए आग जला के थाली में, ये देखिए रखा हुआ है थाली, उसमें हम आग जला के हाथ सेक रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक है। और ये दिखाते हैं हम आपको ठंडक, अभी मौसम निकला नहीं है, धूप भी नहीं हुई है और बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है दोस्तों। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ठंडक और कोहरा भी पड़ा हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ घर बन रहा है। ये देखिए आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों कचालू, और ये हमें लाल मिर्ची का काम था और हमारे पास में भुना हुआ लाल मिर्च नहीं था, तो इसे हम तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर ले रहे हैं। और इसके बाद में इसी में थोड़ा सा हम धनिया पिसी हुई है, खड़ी धनिया है नहीं हमारे पास में, तो इसमें हम थोड़ी सी धनिया भी डाल के उसे भी रोस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में उसे मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारे आलू उबल चुके हैं अच्छे तरीके से, ये देखिए भाप निकल रहे हैं। अब इसे हम चाकू से कट कर लेते हैं चार भागों। देखिए धनिया भी हमारा अच्छे तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और इसके थोड़ा सा जीरा भी हम इसमें रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि जीरे से स्वाद बढ़ जाता है अच्छे तरीके से, इसीलिए इसमें हम कचालू में थोड़ा सा जीरा भी भून कर डाल। देखिए दोस्तों हमारा जो हमने सारा मटेरियल तैयार किया था वो हमने अच्छे तरीके से भून उठा है, और उसके बाद में हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए आलू हमने सारे कट करके रख लिए हैं, ये कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। काफ़ी देर से हमारी कढ़ाई गरम भी हो गई है, ये देखिए आँच आने लगी है। अब इसमें हम डालते हैं तड़का पहले नंबर, थोड़ा सा हमने क्रच करके उसके बाद में वो जीरा डाला है, उसके बाद में ये थोड़ा सा मिर्चा डाल दे रहे हैं। इसमें प्याज भी पड़ेगा लेकिन आज मंगलवार है दोस्तों, और लहसुन प्याज हमें माना है क्योंकि हम बालाजी गए हैं इसीलिए। और ये देखिए तड़का भी हमारा हो रहा है, ये देखिए दोस्तों हमारा मिर्चा हो चुका है। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं, जीरे का तड़का कचौले में लग जाता है तो काफ़ी लोग को बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है। और ये देखिए अब हमने इसी समय में धनिया की पत्ती, ये हरी धनिया भी उसको हमने कट कर लिया अच्छे तरीके से। भूनते वक्त भी दोस्तों हम इसमें नमक डाल देते हैं, और अगर आपके पास है टमाटर है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ टमाटर नहीं है और इसलिए हम इसमें थोड़ा सा वो डालेंगे नींबू या आम का जो होता है अमचूर, उसे डालेंगे इसमें। जो हमने नमक डाला उसे अच्छे तरीके से चला देंगे दोस्तों, अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा दोस्तों। और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, जब ये भून जाएगा तब मसाला और जो हमने धनिया की पत्ती काटी है उसको इसमें हम डालेंगे। पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह देसी स्टाइल में कचालू तैयार किया जाता है। सब कचालू तो बहुत प्रकार से तैयार किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आलू उबाल लेते हैं बहुत जगह पे, और उसके बाद में फिर उसे ये तेल में फ्राई नहीं करते बल्कि वैसे कट कर लेते हैं, फिर धनिया और अमचूर और नमक वगैरह जो भी मसाला होता है ऊपर से डाल के उसके बाद में सबको दे देते हैं। लेकिन हम तो इस तरह नहीं बनाते हैं दोस्तों, इसी तरह बनाते हैं जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और पूरा वीडियो हमारा देखिएगा दोस्तों। ज़्यादा बात करते हुए नहीं दोस्तों, हम दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि कचालू के साथ में हम बनाएंगे चाय गर्मा गर्म, और कचालू दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए। जब तक गर्म होता तब तक हम अपने आलू को देखते हैं। अगर आपके पास दोस्तों घी में है तो घी में ही फ्राई कर सकते हैं, घी में और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पापा घी नहीं खाते हैं इसीलिए हमको इसमें तेल। हमारी दोस्तों आलू भून चुकी है अच्छे तरीके से, इसमें धनिया की पत्ती और मसाले जो भी हैं सारी चीज़ें डाल देते हैं हम इसमें। ये देखिए दोस्तों अपने अनुसार मसाला डालिएगा, क्योंकि मसाला जो धनिया और मिर्चा रेड मिर्चा का होता है वो तीखा भी होता है, ये साथ में हम अमचूर भी डाल रहे हैं इसमें कि थोड़ा सा खट्टा भी लगे, तीखा खट्टा अच्छा लगता है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, ये
देखने में दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी है खाने में। मैं मत समझती कि देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में टेस्टी नहीं है। आप बना के घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, और जो अच्छा बना है अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करना शेयर करिएगा, क्योंकि जानते हैं हम ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में कचालू खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, और छोटे से ले कर बड़े तक का ये सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ होता है दोस्तों। और इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, जो भी घर से मटेरियल होता है उसी से ये तैयार हो जाता है, ये नहीं है कि इसमें ढेर सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। और इसी बात करते करते हमारा दूध भी गर्म हो गया, चलते हैं चाय बनाने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा कचालू बनके तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और साथ साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ हम आपसे निवेदन करें दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं प्लीज़ दोस्तों। और हमारा चाय बन रहा है, और ये देखिए गैस किस तरह से चाय गिर गया है दोस्तों हमसे, और ये देखिए हमारा चाय भी बन के रेडी हो रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है दोस्तों। फटाफट सारे गैस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं दोस्तों जल्दबाजी में सारे काम ख़राब हो जाते हैं, और जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करते करते सारी चीज़ें हमारी ख़राब होगी दोस्तों, क्योंकि अकेले हैं वीडियो बनाने वाले, और कोई तो कुछ हमारे पास में है नहीं, हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा दोस्तों। इतना मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो आप सबको भी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, तो प्लीज़ जो भी दोस्त हमारे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, और उसके बाद में बेल आइकन को दबाना ना भूले प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। और फिर मिलेंगे दोस्तों नए नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा।